जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में फिजिक्स सेक्शन में ग्रेविटेशन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करा था। मेरे मित्र, अब बारी है ग्रेविटेशन से संबंधित महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझने की। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस का क्वेश्चन नंबर वन, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दिए गए दो कथनों ए और बी में कौन सा सत्य है। आपका है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। मेरे मित्र, ऑप्शन है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक, दूसरा है दो वस्तुओं की बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक, और कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो दो कथन ए और बी हैं उसमें से कौन सा सही है। केवल बी सत्य है जबकि ए असत्य है, ए और बी दोनों असत्य है, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है, और चौथा है ए और बी दोनों सत्य है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी बात किसकी की जाए, जब कभी भी बात की जाए गुरुत्वाकर्षण की, यानी कि ग्रेविटेशन की, किसकी बात की जाए सर, ग्रेविटेशन की, तो आप सभी हमेशा ये कहेंगे कि प्रकृति में मूल रूप से चार बल मिलते हैं। प्रकृति में चार क्या है सर, मूल बल है, यानी कि सभी बलों का ओरिजिन माना जाता है। उसमें पहला आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, फिर आपका क्या है सर, स्थिर वैद्युत बल, फिर क्या है आपका प्रबल बल, और फिर क्या है आपका दुर्बल बल। ध्यान दीजिएगा, ये प्रबल सब्जी वाला प्रबल बल नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स बोला जाता है। और अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे कि सर जो चार बेसिक से फोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, सेकेंड जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, थर्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स, और फोर्थ क्या होगा आपका, आप कहेंगे वीक फोर्स होगा। तो मेरे मित्र, प्रकृति में जो चार मूल बल है उस चार मूल बल में से एक बल आपका कौन सा है, आप कहेंगे सर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पहला चीज तो ये क्लियर हो गया हमारा कि जब भी हम गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा करेंगे आप सभी कहेंगे कि सर प्रकृति में चार मूल बल में से एक है। अब मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि जो बल की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, तो सर आकर्षण वाली भी होती है और प्रतिकर्षण वाली भी होती है। आकर्षण बोले तो सर दो वस्तु को आपस में चिपका भी सकता है, विकर्षण बोले तो दो वस्तु को एक दूसरे से दूर भी फेंक सकता है। तो आप सभी से कभी कभार यह सवाल पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रवृत्ति हमेशा होती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रवृत्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रवृत्ति होती है ये कैसा होती है, आप सभी कहेंगे सर हमेशा आकर्षण वाली होती है। कैसा होता है, आप सभी ध्यान में रखना, हमेशा आकर्षण वाली होती है, मतलब ये हमेशा अट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टीज है उसको शो करेगा, ये कभी भी रिपल्शन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है, एक प्रकार का कमजोर बल है। क्या है सर, एक प्रकार का कमजोर बल है। ये चीज भी आप सबों को ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति होती है, तो आप कहेंगे सर कमजोर नेचर वाली होती है। तो ग्रेविटेशन से संबंधित जो बेसिक बात है वो क्या कि सर प्रकृति में चार मूल बल में से एक बल है, दूसरा इसकी प्रवृत्ति हमेशा कैसी होती है, सर आकर्षण वाली होती है, और ये क्या है, आप कहेंगे सर एक प्रकार का कमजोर बल है। क्या है, एक प्रकार का कमजोर बल है। अब यहां पे आप सभी ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट हैं उन सभी के बीच लगता है। हाँ, ये अलग बात है कि सर जो कम द्रव्यमान वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही नगण्य माना जाता है, जबकि हम गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा अगर मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की बात करते हैं, या आप कह सकते हो कि सर सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, या सर जो सूर्य के चारों ओर हम लोग पृथ्वी के चक्कर की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे मित्र, वहां पर हमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो बड़े द्रव्यमान होंगे सर उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि बड़े द्रव्यमान युक्त वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा होगा, जबकि सर कम द्रव्यमान युक्त वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, आप कहेंगे नग्न होगा। और इसलिए मेरे मित्र
आपके घरों में जो दो सामान रखा हुआ रहता है या आप दो व्यक्ति बैठे हुए रहते हैं, आपके बीच में क्या होता है, जो लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत ही नग्न होता है, क्योंकि आपकी जो द्रव्यमान है सर वो पृथ्वी के द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान की तुलना उससे नहीं की जा सकती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होगा, तो सर जो ज्यादा द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट होगा यानी कि ज्यादा द्रव्यमान वाला ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में क्या होगा सर, ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, कम द्रव्यमान वाले में क्या होगा सर, कम प्रभाव दिखाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये सभी चीजें तो बेसिक बातें हैं, हमें यह बताओ कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या कोई नियम था? मेरे मित्रों ऑब्वियसली नियम था, और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा जब कभी भी हम चर्चा किसकी करेंगे सर, जब कभी भी चर्चा हम गुरुत्वाकर्षण नियम की करेंगे, जब कभी भी चर्चा हम लोग किसकी करेंगे सर, गुरुत्वाकर्षण नियम की करेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियम को हम लोग सीधे नियम नहीं कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं कहते हैं सीधे, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण की नियम होती है सर, ये हर जगह पे क्या होती है सर, वैल्यूबल होती है। और आप सबों को यहां पे क्या ध्यान में रखना होगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, क्या ध्यान में रखना होगा सर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसको हम लोग क्या कहेंगे सर इंग्लिश में, इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट ये चीज क्लियर करा है कि सर जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये प्रत्येक द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच में लगेगा। बिल्कुल मेरे भाई आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो इसका प्रतिपादन किसने करा था, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन के द्वारा दिया गया। और न्यूटन साहब ने क्या बताया गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में, क्योंकि ये चीजें पहले से क्लियर थी कि दो मासेबल ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो न्यूटन साहब ने बताया कि अगर हम दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट जिसका एक का द्रव्यमान m1 हो और दूसरे का द्रव्यमान m2 हो, एक दूसरे से दोनों को हम क्या करें r डिस्टेंस पर रखें, तो इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो इस दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इसके बीच की जो दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और मेरे मित्र फिर न्यूटन साहब ने यह भी कहा कि अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहां पे g रखना होगा और हम लोग g इक्वल टू m1 इनटू m2 बटा r स्क्वायर कहेंगे, जहां पे g क्या होगा आप सभी ध्यान में रखना, g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉरी इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है इसको। तो आप यह चीज भी ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र, न्यूटन साहब के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से आप क्या देख पा रहे हैं कि सर दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल होगा उस दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, जबकि उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, आप कहेंगे सर जी व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब सवाल क्या है कि दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। पहला है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा आनुपातिक, आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से क्या होगा सर, सीधा व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि यह 1/r² है। तो आप क्या कहेंगे कि सर दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों में से कौन सही है, केवल ए सही है, पहला ऑप्शन में केवल बी सत्य है, आप कहेंगे सर ये चला गया। दूसरा में है ए और बी दोनों असत्य है, आप कहेंगे गुरुजी ऐसा नहीं है, केवल ए जो है वो सत्य है। और तीसरा में है केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है, मेरे मित्र आप कहेंगे सर जी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, आप सभी क्या कहेंगे सर दो मासेबल ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। और इसका प्रभाव हमको ज्यादा कब देखने को मिलेगा, तो सर जब वस्तु की द्रव्यमान ज्यादा होगी, जब वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा सर, नग्न मालूम होगा। इसीलिए दो दोस्त के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान पता नहीं चलता है, दो वस्तु दो ग्लास एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तो उसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वह हमें पता नहीं चलता है। और साथ ही गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला, आप कहेंगे गुरुजी F इक्वल टू जी m1 इनटू m2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र आपसे यह पूछा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का SI मात्रक क्या है।
मेरे मित्र सवाल यह करा जा रहा है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। चला जी आप सभी यहां पे ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित यूनिट तो पूछा ही जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि सर चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं चला, आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की, सर ग्रेविटेशनल फोर्स की, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे प्रत्येक बल की भांति इसको भी एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर तो एफ इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, सर जी जी एम वन इंटू एम टू बटा आर स्क्वायर। अच्छा ये जी क्या है चला, आप कहिएगा गुरु जी यह तो हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, यह क्या है हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अब चला जी आप सभी ये ध्यान रखिए, आप सभी ये ध्यान रखिए कि जब F इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू बटा आर स्क्वायर कह सकते हैं तो क्या हम लोग इसको F इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू बटा आर स्क्वायर नहीं कहेंगे। आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या कहिएगा गुरुजी जी एम वन इंटू एम टू इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, जी इक्वल टू क्या हो गया, आप कहेंगे सर जी एफ आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू। तो जब भी सवाल करा जाए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है तो आप कहेंगे सर जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू होगा, कितना होगा एफ आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू होगा। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो जी है इसका मान हर जगह पे निश्चित होता है यानी कि फिक्स होता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है सर, इसीलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। और मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होगा, तो याद रखिएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, कितना होगा सर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आया सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए कि बल का यूनिट आप कहिएगा सर न्यूटन लिखेंगे, अच्छा यहां पे जो आर स्क्वायर है ये क्या है, आप कहेंगे त्रिज्या तो लंबाई होता है गुरुजी, तो यहां पे मीटर स्क्वायर कह दें, आप कहेंगे बिल्कुल एम वन इंटू एम टू मतलब केजी गुना केजी, तो लीजिए ना चला जी केजी इंटू केजी कर दीजिए, क्या कहिएगा कि सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यह ना हम लोग याद करते रहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ध्यान में रख लीजिएगा कि वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है SI मात्रा क्या है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरु जी यहां पर तो नहीं लगा हुआ है तो क्या हुआ चला, केजी पर पावर माइनस टू लिखा हुआ है, तो क्या हम इसी चीज को चला ऐसे ना लिख लें न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी और टू दी पावर माइनस टू। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यह बात ना राजा लिखा हुआ है, यहां यह बात ना लिखा हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब याद रखिएगा कई बार आपको फंसाया जाएगा क्योंकि एक जनरल परिभाषा हम लोगों को मालूम है कि सर अगर किसी फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी भौतिक राशि का सहारा लेना पड़ता है तो हम कहते हैं कि सर वो फॉर्मूला उसी भौतिक राशि पे डिपेंड करेगा, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, तो आप कहिएगा सर स्पीड जो है वो दूरी और समय पे डिपेंड करेगा, तो ई वाला लॉ जो है वो हम लोग के दिमाग में चलते रहता है। लेकिन मेरे मित्र क्या कहीं पे आपको सार्वत्रिक चाल या सार्वत्रिक वेग लिखा हुआ मिलता है, आप कहेंगे नहीं लिखा हुआ मिलता है। तो जहां सार्वत्रिक लग जाए यूनिवर्सल लग जाए तो आप समझ लीजिए कि उसका पूरे यूनिवर्स में मान समान होगा और वो किसी चीज पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि s इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सर चाल को बताने के लिए हमें सार्वत्रिक शब्द लगाना नहीं होता है। लेकिन अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करते हैं तो इसके पीछे आप देखेंगे हमेशा सार्वत्रिक लगा हुआ रहेगा, इसीलिए कि हम यह ना कह दें कि सर इस g का वैल्यू गुरुत्वाकर्षण बल और यह सर पृथ्वी की त्रिज्या या फिर जो सॉरी पृथ्वी की त्रिज्या कह रहे हैं वस्तु की दूरी और दोनों वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगी, कभी हम यह ना कह दें। इसीलिए इसके पीछे क्या लगाया गया है सर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगाया गया है। तो कई बार आपको बरगलाने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निर्भर करता है सर दोनों वस्तु के द्रव्यमान पर, दोनों वस्तु के बीच की दूरी पर और सर दोनों वस्तु के बीच लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल पे। तो माथा में आता है कि सर फॉर्मूला तो यही होता है काई डिपेंड करता है, नहीं काहे, तो सर इसके पीछे सार्वत्रिक लगा हुआ है, इसका मान नियत होगा, यह वैल्यू हर जगह पे होगा चाहे हम
पृथ्वी पे चल जाए, चंद्रमा पे चल जाए, हवाई जहाज पे चले, कहीं भी जाए सर, क्या होगा? ये फिक्स होगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जी का मान, जी का मान प्रत्येक जगह नियत होता है। जी का मान प्रत्येक जगह क्या होता है सर? नियत होता है। और ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी कभार सवाल पूछ दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तब परेशान हो जाते हैं, जबकि परेशान होने वाला कोई बातें नहीं है चेला, क्योंकि जो विमीय सूत्र है वो एक्चुअली क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के क्रम में मूल राशि के ऊपर जो पावर देते हैं वही पावर उसकी विमा होती है, और मूल राशि को पावर के रूप में लिखना विमीय सूत्र है। तो मेरे मित्र, मात्रक आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मालूम है, तो आप कहिएगा सर बल के लिए विमा MLT टू दी पावर -2। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर है तो लंबाई है ना है, तो ये क्या हो जाएगा? आप कहिएगा एल स्क्वायर बटा मास आपका M1 × M2। तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आप कहेंगे सर विमीय सूत्र में हम लोग एम यूज करते हैं। तो यहां पे आप कहेंगे सर ये हमारा M × M हो जाएगा। चिला जी गौर से ध्यान देना यहां पे कि ये M एकरा तो लेकर चल जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल चल जाएगा, और आप क्या कहिएगा कि सर EM ऊपर चल जाएगा, तो लिख दीजिए M इनवर्स। अब यहां पे L है और यहां पे L स्क्वायर है, कहिएगा सर दोनों गुना में है, दोनों गुना में है, बेस समान है, पावर बार जुट जाएगा, तो L आपका क्या हो जाएगा? आप कहिएगा L^3 और क्या T^-2। तो लीजिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र आपके सामने है, M^-1, L^3 और T^-2। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्या कहेंगे गुरुजी? अभी जस्ट आपने बताया आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैलीलियो गैली की चर्चा की जा रही है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जड़त्व के नियम की बात की जाएगी, जड़त्व के नियम की बात की जाएगी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर जड़त्व का जो नियम है वो एक्चुअली में गैलीलियो गैली के द्वारा बताया गया था, और न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? जड़त्व का नियम कहते हैं। और साथ ही साथ जड़त्व की खोज, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये भी जो है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन की बात करेंगे चला, आप कहेंगे सर E=MC², यानी कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध, और साथ ही साथ फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला? आप कहेंगे सर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे, क्या कहेंगे कि गुरुजी चार्ल्स डार्विन का जो नाम है वो अमर है, इसीलिए कि हमारे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि हु वाज द राइटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं वो कौन है? आप कहेंगे कि सर चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अगला देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेरे मित्र ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही ग्रहों की गति के नियम आए तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लेनेटरी लॉज ऑफ मोशन। क्या कहेंगे चिला? प्लेनेटरी लॉज ऑफ मोशन। और याद रखिएगा कि प्लेनेटरी लॉज ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया? केपलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? आप कहेंगे केपलर के द्वारा दिया गया। मेरे मित्र केपलर ने प्लेनेटरी लॉज ऑफ मोशन से संबंधित कितने नियम दिए? आप याद रखेंगे सर 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कौन कौन सा, तो याद रखिएगा पहला था द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहला क्या था? द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा क्या था चला? दूसरा था द लॉ ऑफ इक्वल एरियल वेलोसिटी, द लॉ ऑफ इक्वल एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ इक्वल एरियल वेलोसिटी। और तीसरा क्या था? तो सर द लॉ ऑफ रिवोल्यूशनरी पीरियड। आप कहेंगे गुरुजी हिंदी में क्या कहेंगे? तो मेरे मित्र द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को कक्षाओं का नियम, और द लॉ ऑफ इक्वल एरियल वेलोसिटी को सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्षेत्रीय वेग का नियम या क्षेत्रीय समान वेग का नियम, ठीक है, और द लॉ ऑफ रिवोल्यूशनरी पीरियड, तो आप सभी याद रखेंगे सर परिभ्रमण काल का नियम। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये सभी लॉ क्या होते हैं?
मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि केपलर्स ने अपने नियम में बताया, केपलर्स ने अपने नियम में बताया कि सूर्य के चारों ओर चिल्ला, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह जो है, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह जो है वो क्या होता है? तो सर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में, यानी कि इलेप्टिकल पथ में क्या होता है सर? सूर्य का परिक्रमा करता है, जिसको क्या कहा गया सर? द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहा गया। अब मेरे मित्र यहां पे अपने दूसरे नियम में उन्होंने क्या बताया कि यहां पे अगर ये जो हमारा सूर्य है, ये अगर हम मान लें कि इस इलिप्टिकल मार्ग के फोकस पे है, तो आप कहेंगे कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे मूव कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं जो एरियल वेलोसिटी बनेगी वो कुछ इस तरीके का बनेगा। और एरियल वेलोसिटी क्षेत्रीय वेग क्या होता है? तो सर किसी क्षेत्रफल को हम लोग जिस वेग से कवर कर रहे होते हैं वो होता है। तो मेरे मित्र यहां पे केपलर साहब ने ये बताया कि अगर अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है सूर्य का, तो उसका जो क्षेत्रीय वेग होगा, भी वो क्या होगा? नियत होगा, यानी कि प्रत्येक जगह पे समान होगा। इससे क्या पॉइंट निकला कि अगर ग्रह जो है सूर्य के नजदीक होगा उसका वेग हमें बढ़ा हुआ मालूम पड़ेगा, और अगर ग्रह सूर्य से दूर होगा तो उसका वेग हमें घटा हुआ मालूम पड़ेगा। तो पहले नियम में यह बताया गया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमता है, और सूर्य क्या होता है? सर नाभिक पर होता है। और दूसरा में यह बताया गया दूसरे नियम में कि प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होगा, यानी कि एरियल वेलोसिटी होगा इस एरिया को पार करने की, वो नियत होगा। तो जैसे ही नजदीक में होगा तो वेग बढ़ा हुआ मालूम पड़ेगा, जैसे ही दूर होगा तो वेग घटा हुआ मालूम पड़ेगा। और सर तीसरा नियम में उन्होंने ये बताया, कि जो परिक्रमण काल का वर्ग होगा वो सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होगा, यानी कि टी स्क्वायर क्या होगा सर? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। यहां पे आर क्या है? तो ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी है। आर क्या है सर? ग्रह एवं सूर्य के बीच की दूरी। ये चीज याद रखेंगे, ग्रह एवं सूर्य के बीच की दूरी याद रखिएगा। क्या कि सर ग्रह सूर्य का परिक्रमा करेगा, ग्रह जो है वो सूर्य का परिक्रमा करेगा, सूर्य न ग्रह का परिक्रमा करेगा। यह में फंस जाइएगा, अगला क्वेश्चन होगा, मिल जाएगा आपको। हमेशा ध्यान में रखना है कि केपलर की जो प्लेनेटरी मोशन थी, प्लेनेटरी मोशन के लिए लॉ थी, वो किसके लिए थी? तो सर जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो क्या होगा सर? एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमेगा, ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होगा, परिक्रमण काल ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के घन के सर समानुपाती होगा। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के घन के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो भाई मेरे जो सवाल करा जा रहा है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, आप कहेंगे सर जोहान्स केपलर, यानी कि सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने क्या करा? गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बताया, गैलीलियो जड़त्व के बारे में बताया, रोजर बेकन, मेरे मित्र याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, इन्होंने क्या करा था? कांच की सहायता से सूक्ष्मदर्शी बनाने का प्रयास करा था। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि रोजर बेकन के बारे में जब भी चर्चा की जाएगी तो आप कहेंगे सर कांच से सूक्ष्मदर्शी बनाने का प्रयास, कांच की सहायता से सूक्ष्मदर्शी बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? आप कहेंगे रोजर बेकन के द्वारा किया गया, जो कहां के थे? इंग्लैंड के थे। कहां के थे सर? इंग्लैंड के थे। और ये इंग्लैंड के न सिर्फ एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे बल्कि सर फिलोसफर भी थे, यानी कि दार्शनिक भी थे। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, कि विकल्पों में उल्लेखित तत्व में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? मेरे मित्र वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा। सीधे सीधे सवाल यह करा जा रहा है कि सर व्हाई आर द ग्रेविटेशनल फोर्स आर मोस्ट मोस्ट इसेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स इसेंशियल क्यों है? मेरे मित्र जैसे ही आपके मन में यह सवाल आए कि गुरुत्वाकर्षण बल जरूरी क्यों है, तो बस आप इतना सोच लेना कि आप जो पृथ्वी के साथ बंधे हुए हो वो गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही बंधे हुए हो। अगर गुरुत्वाकर्षण बल यहां से हट जाए तो आपकी जो स्थिति होगी वो स्पेस में होगी। तो यह चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि पृथ्वी पे जो कुछ भी बंधा हुआ है वे सब के सब किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से। और हम लोग अपने बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं सर, मतलब सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं किसके वजह से सर? गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से।
तो मेरे मित्र जो कहा जा रहा है कि विकल्प में उल्लेखित तत्वों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया, तो आप कहेंगे सर जब आप ही कह रहे हैं कि सभी चीज धरती से बंधा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के चलते, तो बिल्कुल सही है, यह हमारा स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा है ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, अभी क्या मैंने कहा आपको यह याद रखना होगा, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, ग्रह के चारों ओर सूर्य चक्कर नहीं लगाता है। तो मेरे मित्र जो केपलर ने लॉ दिया है वो किसके लिए, तो सर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के लिए, जबकि यहां पे कहा जा रहा है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, तो मेरे मित्र ये तो एक अटपटांग चीज है ना कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य गति ही नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे कि इसको सर न तो हम केपलर्स लॉज ऑफ मोशन से समझा सकते हैं और न ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से समझा सकते हैं, तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है। जबकि तीसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करती है सर, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते ही होती है, और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा जो आपका मतलब समुद्र में ज्वारभाटा आता है वो किसके वजह से, सर गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से, तो चंद्रमा और सूर्य के कारण उठने वाली जो आपका ज्वारभाटा होता है उसको भी हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझा सकते हैं, लेकिन ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझा सकते। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जिसे समझाया नहीं गया है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी को समझाया नहीं गया है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमान के गुणनफल, गुरुत्वीय स्थिरांक, उनके द्रव्यमान के योग, क्या कहिएगा कि गुरुजी अब ये ना आप बताए हैं, अब ये ना आप बताए हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, जी एम वन इंटू एम टू बटा आर स्क्वायर, तो द्रव्यमान के गुणनफल पे डिपेंड करेगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पे डिपेंड करेगा, और ये सर पृथ्वी के त्रिज्या पे डिपेंड करेगा, या आप ये कह सकते हो उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, तो सर उनके बीच की दूरी पर तो डिपेंड करेगा ही, द्रव्यमान के गुणनफल पे भी करेगा, गुरुत्वीय स्थिरांक पे भी करेगा, लेकिन द्रव्यमान के योग पर नहीं करेगा, तो निर्भर नहीं करता है सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच पर बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही सरल सवाल है, क्या कहिएगा कि सर चूंकि जो F इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वो M1 into M2 लिखते हैं और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बटा r स्क्वायर लिखते हैं, तो कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोगुना, तो बढ़ा दिया जाए। मेरे मित्र जब यह व्युत्क्रमानुपाती है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी दूरी बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, और अगर दूरी घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, क्या कहिएगा कि सर अगर हम दूरी को अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दूरी को दोगुना कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, मतलब सर अगर टू है, अगर हम सर यहां पे r है तो वो उसका r स्क्वायर हो जाता है, और अगर दूरी दोगुना करते हैं तो वो 2r हो जाएगा, तो 2r बटा 2r का स्क्वायर होगा। आप कहिएगा सर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बटा 4r स्क्वायर, मतलब जितना परिमाण होगा वो तो 4 से डिवाइड ना हो जाएगा चेला, मतलब 4 के गुणन में कम हो जाएगा, दूरी अगर दोगुना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई से घटेगा, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट आप पढ़े कि सर ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, तो दोगुना कर दिया जाए मतलब बढ़ा दिया जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो चौथाई में घट जाएगा। पहला ऑप्शन है गुरुत्व बल के 4 के गुणन में बढ़ेगा, आप कहेंगे गलत। दूसरा है गुरुत्व बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, गलत। गुरुत्व बल 2 के गुणन में कम होगा, गलत। गुरुत्व बल 4 के गुणन में कम होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो कि डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, आप कहेंगे सर उसके दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, तो मेरे मित्र यहां पे उनकी ऊर्जा दिया हुआ, उनके द्रव्यमान दिया और उनके मध्य दूरी, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि एफ जो है वो दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होगी सर उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगला सवाल देख लीजिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होगा, आप कहेंगे सर जब ये सार्वत्रिक नियतांक है तो प्रत्येक जगह समान होगा और चंद्रमा पर भी उतना ही होगा जितना पृथ्वी पर है, कितना 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 केजी वाले द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻¹⁻ न्यूटन है, आप कहेंगे सर चेक कर लेते हैं कैसे, तो एफ इक्वल टू आप कहिएगा 6.67 × 10⁻¹⁻ और 2 केजी वाला 2 द्रव्यमान है तो 2 ×
अब बेटा क्या हो जाएगा सर? तो सर उसके दूरी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कहिएगा? 1 का स्क्वायर वो करेंगे तो सर कुछ हो नहीं होगा। मेरे मित्र 6.67 × 10⁻¹⁻ गुना 4, 7 चौका 28 और 6 चौका 24 और 2 26 हो जाएगा, और 6 चौका 24 2 26, 7 चौका 28, ओ हो, 7 चौका 28 और 6 चौका 24 2 26, 6 चौका 24 2 26, ये 26.68 × 10⁻¹⁻, ठीक है सर? ये वैल्यू भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट बी भी सही है, सॉरी सी है, यहां पे ये बी सही है। तीसरा है कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी सही है। चौथा है दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है, क्या कहिएगा? कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि जो दूरी है गुरुत्वाकर्षण बल उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यहां पे कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बाद गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाएगा, यानी कि दूरी हम घटा रहे हैं तो ये आधा कर देने पर दोगुना हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे मित्र जब आप F इक्वल टू जी M1 × M2/r² कहिएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यहां पे r क्या है? r/2। ओहो मेरे मित्र लाइट यहां पे कट हो गई है, और ज्यादा हम खींचेंगे तो जो अभी तक हमने पढ़ाया है वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आज के लिए आप लोग थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए, अगले क्लास में हम और क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को और कंप्लीटली रूप से डिस्कस कर रहे होंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।